नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व बिहार को लेकर काफ़ी गंभीर है। दरअसल इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में आरएसएस के 3 शीर्ष पदाधिकारियों ने बिहार का दौरा किया है। आपको बता दें, एक महीने के अंदर ही 3 शीर्ष पदाधिकारी राज्य का दौरा कर चुके हैं, जिसमें 9 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा भी शामिल है। अब हाल ही में मंगलवार को आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले राजधानी पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन पटना अर्बन पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक लॉन्च की थी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। इसी महीने में उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर में एक बैठक ली थी। होसबोले के अलावा एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी रामलाल भी इसी महीने की शुरुआत में पटना गए थे। रामलाल को संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है और वो बीजेपी में सबसे लंबे समय तक संगठन महासचिव जैसे शक्तिशाली पद पर रहे हैं। रामलाल को 2019 में वापस आरएसएस में बुला लिया गया था और वो संगठन की प्रचार और संचार विंग के प्रभारी हैं। आरएसएस से जुड़े लोग भले ही इसे सामान्य यात्रा बता रहे हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस बिहार को लेकर गंभीर है। खासतौर पर लंबे समय तक सत्ता में भागीदार रहने के बावजूद भी अभी तक बीजेपी सत्ता में अकेले दम पर नहीं आ सकी है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया था। ऐसे में बीजेपी की नज़र अब राज्य में बन रहे खाली स्पेस को भरने पर होगी। आरएसएस भी इस बात को समझ रहा है कि यही मौका सही है जब बीजेपी को राज्य में सहारे से हटाकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।